अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यार अभी मैं अस्ताना का टूर कर रहा हूँ। पिछले वीडियोस में जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता। तो अभी मैं जब अस्ताना आया था ना, तो मैंने रिक्वेस्ट डाली थी 5 से 6 लोगों को कि मैंने स्टे करना, ऑनलाइन रिक्वेस्ट। तो उनमें से एक डॉक्टर थी, मुझे नहीं पता था, साइकोलॉजिस्ट थी, तो उसने मेरी रिक्वेस्ट आज उठाई है। मे बी वो पहले बिजी होगी, तो आज उसका मैसेज आता है कि इरफान वेयर आर यू। तो मैंने कहा मैं तो स्टे कर रहा हूँ एक जगह पे। तो कहती ओके लेट्स वॉक। तो मैंने बोला मेरे पास स्पेस है रहने के लिए, प्लेस है। तो कहती चलो आ जाओ मेरी क्लिनिक, ये एड्रेस मतलब उसने दे दिया मुझे अपनी क्लिनिक का, कहती यहाँ पे आ जाओ तो वॉक कर लेते हैं। तो 43 ईयर्स ओल्ड है, अभी चलते हैं ठीक है। इसलिए जा रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, तो मैं भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए, या मैं थोड़ा बहुत कजाकिस्तान के बारे में जान लूँ, लाइक क्या फ्यूचर है डॉक्टर्स का यहाँ पे, लेट्स सी क्या होता है। तो फिर कुछ इन्फो मिलती है तो देखते हैं। व्हाट्स योर प्रोफेशन? आई एम साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट है ये यहाँ पे। तो ये इसका ऑफिस है, ये पीछे इस बिल्डिंग में इसका ऑफिस है। तो ये हमें ऑनलाइन ही मिली थी, मतलब स्टे जिस ऐप से मैंने रिक्वेस्ट की थी स्टे की। तो अब मैं इसके पास स्टे नहीं कर सकता बिकॉज़ आई हैव प्लेस। सो ये आइसक्रीम इन्होंने पे की है मेरे लिए, और बस हमें मतलब सिंपल सा मीटअप था, जस्ट वॉक की हमने। अभी मैं जाने लगा हूँ इनसे। सो हाउ मच यू पे फॉर ऑफिस? 300,000 tenge per month. सो हाउ मच यू चार्ज फ्रॉम वन पेशेंट फॉर वन आवर? वन ओ वन टू नाइन पेशेंट अ डे डिफरेंट। इट्स इफ आई डोंट नो नो इफ पेशेंट टुक योर टाइम फॉर वन आवर और टू आवर, वन आवर हाउ मच यू विल चार्ज फॉर वन आवर? वन आवर ऑन पेशेंट आई कैन हैव 5 or 6 or 9 पेशेंट अ डे। या No, I'm asking about money. How much patient give you money for one hour? It's about 25 hundred tenge 1 hour. Why? It's very low. Very low? Yeah. For 1 hour only 2,500 tenge. Yes. Oh, no, thousand. Oh. 25,000 yeah, tenge. 25,000 tenge for one hour, yeah. Yes. So it's normal. It's normal. Okay, nice to meet you, doctor. Nice to meet you. Thank you so much. It's okay. It's very pleasure to meet you. Thank you. Thank you so much to you for paying this. Delicious. Yeah, it's delicious. My favorite. And you want to say something? I'm happy. I'm very happy. I'm very happy. What I meet with you, I have good time. Thank you so much. Thank you. ये यार डॉक्टर की कार है, वो जा रही है, अभी हम भी जाने लगे हैं। मैं डॉक्टर को मिल के आ रहा हूँ, मिल के काफ़ी अच्छा लगा है। और मैंने उसके सामने तो कह दिया कि 25,000 इट्स नॉर्मल, लेकिन हमारे लिए तो काफ़ी बड़ी अमाउंट है। मतलब कि अगर 5 से 10 पेशेंट भी वो देखेगी तो 1 लाख 1.5 लाख तो कहीं भी नहीं गया ना डेली का। तो ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम भी कर सकते हैं ना इन फ्यूचर। तो मैं इसलिए मिलने गया था कि चलो डॉक्टर है, क्योंकि पहले मेरी ऑनलाइन बात हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। तो ये एक मोटिवेशन थी हमारे लिए। वो साइकोलॉजिस्ट है, इस दुनिया में डिप्रेशन बहुत है, क्योंकि और भी ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रबल्स आते हैं, तो डिप्रेशन की वजह से साइकोलॉजिस्ट अच्छी खासी अर्न करते हैं। हाँ तो यार मैं उन डॉक्टर से मिल के आ गया, उनका नाम था नायला और 43 ईयर्स ओल्ड थी। अच्छा खासा अर्न कर रही हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थी, जिस तरह वो कह रही थी ना आई एम हैप्पी, तो वाकई बहुत ज़्यादा खुश थी। उनकी ये थाट्स थी, जब हम वॉक कर रहे थे ना, अच्छी खासी बातचीत हुई हमारी। 15-20 मिनट हमने वॉक किए अप्रॉक्सीमेटली, मे बी हाँ 15 से 20 मिनट मिले होंगे हम लोग, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। उसका 1 घंटा भी 25,000 का, ऐसी सीधी बात है। तो लाइक उसने बुलाया भी खुद था, मे बी वो हाँ उसकी थॉट्स ये भी थी कि न्यू न्यू लोगों से मिला, मे बी इसलिए उसने मुझे बुलाया। और पाकिस्तान के बारे में उसने थोड़ा बहुत पूछा, मैंने कज़ाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, इस तरह से बातें शातें हुई। और फैमिली के बारे में उसने थोड़ा सा बताया कि मेरे 3 वो हैं बच्चे हैं और हस्बैंड है, अपनी लाइफ में खुश है।
और उसकी ये थॉट थी कि लाइक आज का दिन है जो प्रेजेंट मोमेंट है उसका एंजॉय करो और कल को भूल जाओ और जो गॉड ने दिया उसमें खुश रहो और बस जो इग्नोर करते हो उसको इग्नोर करो, इस तरह के कुछ थॉट्स थी। और अच्छा लगा, नाइस पर्सनैलिटी। तो ये एक इंस्पायरेशन है डॉक्टरों के लिए, हमारे लिए एज अ डॉक्टर। डॉक्टर से मीटिंग हुई जो काफ़ी सीनियर है, मतलब कि तकरीबन 15 सालों से काम कर रही थी। ये चीज़ थी जो एक न्यू एक्सपीरियंस था। ओके, बाय बाय।